केरल में मंकी पॉक्स का केस मिलने के बाद ताजनगरी में स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट है। सीएमओ आगरा के निर्देश पर रैपिड रिस्पांस टीम अलर्ट कर दिया गया है। ताजमहल आने वाले विदेशियों पर विभाग नजर रख रहा है। संदिग्ध मिलने पर तत्काल उसे आइसोलेट भी किया जाएगा। केरल में मंकी पॉक्स का पहला मरीज सामने आने के बाद से कहीं ना कहीं पूरे देश भर में स्वास्थ्य विभाग में कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है। ताज़ा मामला केरल का है, जहां एक मरीज में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है। अगर बात करें ताजनगरी की, तो ताजनगरी में भी जो रेस्पॉन्स टीमें हैं उनको अलर्ट मोड पर कर दिया है। क्या कुछ पूरी व्यवस्थाएं रहने वाली है, उस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव जी, आइए उनसे जानते हैं। सर स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। मैं आपको जो मंकी पॉक्स से रिलेटेड जो भी हमारे पास अलर्ट्स आए हैं उसकी जरूर अवगत कराऊंगा। जैसा कि आपने अभी बताया कि केरल में पहला केस आ गया, उसको देखते हुए हम लोग को भी राज्य स्तर से और केंद्र सरकार के स्तर पर अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। इसके आधार पर हम लोग जो भी हमारी एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर हम लोग ने अपनी टीमों को काफ़ी पहले से सेंसिटाइज कर दिया है, संवेदित कर दिया है। इस तरह का कोई भी मरीज खासतौर से इन जगहों से आता है, जैसे चूंकि ये टूरिस्ट जगह है तो उन देशों से भी लोग आ रहे हैं, और साथ में केरल से आने वाले मरीजों में यदि कोई भी सिम्टोमेटिक मरीज हो या कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री हमें प्राप्त होती है उसको हम तत्काल उसका हम सैंपल लेते हैं। इसके अतिरिक्त तो जहाँ पे भी हमारी डर्मेटोलॉजी क्लिनिक्स हैं उन हॉस्पिटल सर्वेलेंस को भी हम लोग ने स्ट्रेंथन किया है। तो एक टारगेट सर्वेलेंस की भी स्टार्टिंग की है कि अगर कोई भी लीजन जिसमें फीवर या साथ में सोलन लिम्फ नोड्स या लिम्फेडनोपैथी जिसे हम कह सकते हैं, इसके साथ साथ कोई स्किन लीजन हो, खासतौर से जैसे आपने चिकन पॉक्स से मिलता जुलता हो, ब्लिस्टर हो, जिसमें इस तरह का कोई भी लीजन हो, तो उसकी भी हम लोग सैंपलिंग कराने की चेष्टा करके उसको तत्काल हम लोग NIV पुणे के लिए भेजने का प्रयास करेंगे, जिससे कि इस तरह का कोई भी संक्रमण अपने जनपद में पैर न पसार पाए। सर अगर बात करें आइसोलेशन को लेकर या फिर ट्रीटमेंट को लेकर, कोई व्यवस्था या ऐसे मेडिकल कॉलेज में या जिला अस्पताल में कहीं कुछ विशेष किया गया है? अभी बिल्कुल हम लोग अलर्ट मोड में हैं, ये चूँकि हमारे पास कोविड को लेते हुए हमारे पास अभी भी L1 जो पूर्व में बने थे सारे रेडी मोड में हैं, परंतु जैसे ही हम लोग को सूचना मिल जाएगी, चूँकि आइसोलेशन के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों की जरूरत नहीं होती, इसमें यदि कोई भी कॉन्टैक्ट हमारे पास आता है उसको 21 दिन तक हम लोग रखेंगे, और यदि कोई भी सिम्टम डेवलप होता है तो उसकी हम लोग सैम्पलिंग करेंगे। उसको देखते हुए हमारे पास जितने भी हमारे L1 हॉस्पिटल्स हैं वो सब रेडी मोड में, अगर कोई भी हमें आइसोलेशन की आवश्यकता होगी हम इनमें तत्काल भेजेंगे। सर शुरुआती दौर में जब कोविड ने दस्तक दी थी तो कहीं ना कहीं एक अलग सा भय जो है लोगों के चेहरे पर देखने को नज़र आया, कहीं ना कहीं कोविड को समझने में भी काफ़ी समय लगा, लेकिन हालांकि अब जिस तरह की स्थिति है काफ़ी सामान्य है, लेकिन कहीं ना कहीं अब मंकी पॉक्स ये किस तरह का रहेगा और इसको किस तरह हम लोग हैंडल करेंगे? देखिए जहाँ तक अभी तक सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, इसमें सर्वप्रथम फीवर से स्टार्ट होता है, उसके बाद स्वेलन लिम्फ नोड्स आते हैं, इसके बाद इरेप्शन शुरू होते हैं, इरेप्शन माउथ और फेस से होते हुए सोल और पाम इन सब में बढ़ते हैं। ये 2 हफ्ते के अंदर सब्सिडाइज कर जाते हैं और शंकन होकर गिर जाते हैं। तो इस दौरान ये देखा गया है कि कोई भी अगर सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन ना हो तो इसमें बहुत ज़्यादा डेथ की संभावनाएं बहुत कम हैं, और अभी तक इसकी सूचनाएं भी बहुत कम मिली हैं। लेकिन चूंकि मॉर्बिडिटी है, 2 हफ्ते से ज़्यादा समय लग जाता है, अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है सेकेंडरी इन्फेक्शन तो ये लंबा समय हो जाता है, इसलिए ज़रूरी है कि हम इसे पहले ही संक्रमण ना फैलने दें और संक्रमण से पूर्व ही इसको हम लोग रोक पाएँ। तो ये थे हमारे साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा, जिन्होंने मंकी पॉक्स को लेकर जानकारी दी। साथ ही उनका कहना है कि जो प्रोटोकॉल हमने COVID-19 के दौरान अपनाया, सामाजिक दूरी का पालन करना, मास्क लगाना, वही एक प्रोटोकॉल का पालन करना है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति में लक्षण दिखाई दे तो उसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को आप लोग दे सकते हैं। साथ ही जितने भी पर्यटन स्थल हैं उन पर जो टीम है स्वास्थ्य विभाग की वो अलर्ट मोड पर हैं, और संदिग्ध व्यक्ति के सैंपल भी जांच के लिए बाहर भेजे जा रहे हैं। शादी कुछ जाँचें ताजनगरी में भी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया, लक्षणों के बारे में बताया, सावधानी क्या बरतनी है इसके बारे में बताया, साथ ही पर्यटन स्थल पर या फिर रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर क्या कुछ तैयारी रहने वाली है उसकी ज़्यादा जानकारी दी। अपने साथी अनुप बघेल के साथ अनिल कुमार सिंह, CNews आगरा।